What is up guys, मेरा नाम साहिल, आप सभी का स्वागत है ग्राफिक डिजाइनिंग ट्यूटोरियल में। गाइज हम कोई भी डिजाइन बनाते हैं और उसमें बात आती है कोई टाइटल और टेक्स्ट के साथ प्ले करने में, तो सुनने में काफी कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंजिंग लगता है। कैसे हम कुछ सिंपल टाइटल कॉन्सेप्ट को यूज करके अपने डिजाइन को इंगेजिंग बना सकते हैं, उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे 5 टाइपोग्राफिक टिप्स देने वाला हूँ जिनको आप अपने पोस्टर या बैनर डिजाइन में यूज करके उसको इंगेजिंग और एक अच्छा लुक दे सकते हो अपने डिजाइन को। अगर गाइज आप मुझे पहली बार देख रहे हो चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हम यहाँ पे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग, मोशन डिजाइनिंग, फिल्म मेकिंग के बारे में भी क्लासेस देते हैं। तो विदाउट अ टाइम वेस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फर्स्ट ट्रिक को, जिसको ट्रिक को नाम दिया है मैंने कंटेनर। तो इस ट्रिक के अंदर क्या है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ अपना टाइटल। तो टाइटल जो है मैं यहाँ से कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, ठीक है। और इसके बाद अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं अपना टाइटल दूंगा। मैं कंट्रोल वी कर लेता हूँ अपना टाइटल, जो मैंने नाम दिया था टाइटल को कुछ था मेरा, तो मैं यहाँ पर अपना टाइटल डाल लेता हूँ। और इसके बाद अब मुझे करना क्या है कि गाइज अब मैं यहाँ पे करूँगा कि सबसे पहले मैं इसको ब्रेक करूँगा। और फर्स्ट मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर, इसका नाम है बेबर्स। अगर आप इसको डाउनलोड करने चाहते हो तो गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा, एंड देन आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। एंड देन गाइज अगर आप इस इमेज के साथ भी जाना चाहते हो तो ये इमेज का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके भी इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज सबसे पहले मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा टी प्लेस करूँगा ताकि मेरा जो टी टूल है वो सेलेक्ट हो जाए, और मैं जो मेरा हॉलीडे प्लेस है वो मैं इसको नीचे ले आऊँगा, ठीक है। बट मैं सोच रहा हूँ यहाँ से जो हॉलीडे है, ओके, तो मैं हॉलीडे को नीचे ले आऊँगा, ठीक है। और इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो हमारा टॉप 10 कूल है मैं इसको यहाँ से इंक्रीज करूँगा। तो जो है यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट का जो है वो मैं इसका साइज यहाँ से करूँगा इंक्रीज, ठीक है। और यहाँ से मैं इंक्रीज करने के बाद इसको यहाँ से मैं कर दूंगा, तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया, जो अपना टॉप वाला था मैं इसको इंक्रीज कर लिया। एंड देन मैं इसके बाद क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा करूँगा इंक्रीज। और इसके बाद अब नंबर आता है मैं इसके साथ देने वाला हूँ, बिकॉज इसका जो फर्स्ट टिप का नाम है वो है कंटेनर। जो ट्रिक है मेरी फर्स्ट, इसका नाम कंटेनर है, और मैं इसको एक कंटेनर की तरह ये लुक लाइक होता है देखने में। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले जाऊँगा अपने शेप टूल में, और इसके बाद यहाँ से मैं लूँगा रेक्टेंगल टूल, और अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा अपना रेक्टेंगल टूल, ठीक है। सॉरी, रेक्टेंगल में ड्रॉ करूँगा यहाँ पे। और अब देखो यहाँ पे एक बॉक्स बन चुका है हमारे टेक्स्ट के चारों, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से वाइट कलर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस जो हमारा स्ट्रोक है मैं इसको वाइट कलर दे दूंगा, और जो इसका स्ट्रोक है मैं इसका डेप्थ बढ़ा दूंगा थोड़ा सा, मैं इसको 7 कर देता हूँ, ठीक है। बट अगर मैं अब इसको देखूँ तो लुक प्रीटी, नॉट बैड, अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनल, थोड़ा एकदम क्लीन लग रहा है ये टाइटल भी। बट अभी इसके साथ और भी प्ले कर सकते हैं हम, चाहे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ प्ले करना चाहूँ यहाँ से, यहाँ मैं इसका जैसे कि हमारा जो फिल है मैं इसका फिल पीछे से दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई और इमेज होती जिसमें टेक्स्ट नज़र ना आता, कोई ऐसी इमेज होती हमारे पास जिस कंडीशन में हमारा जो वाइट कलर है वो उस इमेज पर नज़र ना आता, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से जो रेक्टेंगल है हम उसका जो हमारा जो फिल है मैं उसको यहाँ पे दे देता हूँ वाइट कलर के, या जो भी आप चाहे जिस कलर का आप चाहे दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप जो भी, फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा जो कलर चूज़ करने का तरीका होता है वो हमेशा इमेज से ही कलर चूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम यहाँ से इमेज का कलर चूज़ कर लेते हैं और ये हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके नीचे इसको डालता हूँ, और जो हमारा फिल है जो ऑपोजिट जहाँ पे ये फिल है, मैं अगर फिल को कम करता हूँ यहाँ पे, मैं इसको 50 कर लेता हूँ, या मैं इसको यहाँ से 10 कर लेता हूँ, तो जो हमारा जो टेक्स्ट है वो और हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, मतलब और हमारा नज़र आ रहा है इमेज के अपोजिट, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में अभी हम क्या करते हैं, अभी तो हमारा जो बिना फिल को यूज़ किए ही हमारा काफ़ी अच्छा हमारा जो टाइटल है वो नज़र आ रहा है, तो इसको मैं चाहे तो 0 कर सकता हूँ फिल को, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है कि मैं इसके साथ और भी काफ़ी प्ले कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कॉर्नर में डिज़ाइन डाल सकता हूँ, तो कॉर्नर में डिज़ाइन डालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से पॉलीगॉन टूल लूँगा शेप में जा कर के, ठीक है। पॉलीगॉन टूल लेके उसके मुझे 3 साइड चाहिए, बिकॉज मुझे ट्राइंगल चाहिए, ठीक है।
तो ये अभी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ मैं, इसके साइड में कुछ और डिज़ाइन बनाने की कोशिश करता हूँ इस कंटेनर के, जो आपने स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने से रेक्टेंगुलर टूल में जाऊँगा और यहाँ से मैं जाऊँगा पॉलीगॉन में, ठीक है। तो यहाँ से मैं पॉलीगॉन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी बार में देखें तो ऊपर सबसे ऊपर है हमारे पास साइड, तो मुझे यहाँ पर चाहिए 3 साइड, ठीक है। तो यहाँ 3 साइड को मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको करूँगा ड्रॉ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे ये मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, ये मेरे को व्हाइट कलर का फिल चाहिए, ठीक है। और इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल टी करता हूँ और इसका थोड़ा रोटेट करता हूँ, ठीक है। और इसे रोटेट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको करूँगा क्लिपिंग मास्क, ठीक है। अब मैं यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट जी प्रेस करूँगा। अगर हम यहाँ देखें इस वक्त तो क्या हुआ, जो हमारा जो ट्राइंगल है वो हमारे स्ट्रोक के अंदर क्लिपिंग मास्क हो चुका है, ठीक है। तो अब हमें इस केस में क्या करना है, क्योंकि हमें क्या हुआ है कि यहाँ पे जो बाहर वाला एरिया अगर आप देख पाओ, तो जो मेरा जो कर्सर है आप उससे देख पा रहे होगे, जो हमारा जो बाहर वाला एरिया जो अंदर एरिया है, मैं यहाँ पे इसको चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी जब मुझे इसको सही करना है तो अभी क्या करूँगा मैं, जो हमारा ट्राइंगल है मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, ठीक है। और जो हमारे सॉरी जो हमारे पास रेक्टेंगल है वो मैं उस पर डबल क्लिक करूंगा और एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर सबसे ऊपर ही अगर आप देखो यहाँ पर आ रहा है ब्लेंड क्लिपिंग लेयर एज ग्रुप, तो मुझे इसे अनचेक करना होगा, ठीक है। और मैं इसको कर दूंगा ओके, ठीक है। तो आप अब देख पा रहे होगे कि ये इमेज इसके अंदर जो हमारे शेप है वो इसके अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो जस्ट मुझे यही चाहिए था और मैं इसको कंट्रोल जे करके कॉपी करूंगा और मैं इसको इस डायरेक्शन में ले आऊंगा। मैं यहाँ पे भी इसको कंट्रोल जी करूंगा ताकि क्लिपिंग मास हो जाए, उसको कॉर्नर में ले आऊंगा, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे सेट कर लूँगा। और अब मैं क्या करूँगा, ऐसे ही मैं दूसरे को कंट्रोल जे करके कॉपी बना लेता हूँ और ऑल्ट के साथ इसको क्लिपिंग मास कर लेता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट जी के साथ। एंड देन मैं इसको थोड़ा नीचे ड्रैग करके ले आता हूँ और मैं इसको यहाँ पे कॉर्नर में लगा लेता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ओल्ड के साथ और इसको ड्रैग करके साइड में ले आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं इसके साथ और प्ले कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा और इसको अंदर की साइड हम ले सकते हैं इनको, ये बहुत ज़्यादा बाहर हो रहे हैं। तो अभी मैं इसके साथ और इन सबको, तो अभी ये काफ़ी अच्छा और क्लीन नज़र आ रहा है। तो अभी हम बात कर रहा हूँ मैं सेकंड ट्रिक के ऊपर, तो सेकंड ट्रिक के को जो नाम है वो जो सेकंड ट्रिक है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा मिनिमलिस्ट हो सके मेरा टेक्स्ट उतना ज़्यादा ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी मिनिमलिस्ट रखने की कोशिश करूँगा टेक्स्ट को और उसके साथ टाइपोग्राफी मैं प्ले करूँगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो मैंने क्रिएट किया था वो टॉप 10 कूल मेरे हॉलीडे प्लेसेस थे, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मैं जो हमारा जो अगर फॉर एग्जांपल कुछ कंडीशन है कि हमारे पास जो पीछे वाइट कलर है और या फिर जो हमारे टेक्स्ट का कलर है वही हमारे बैकग्राउंड का कलर है, तो उस कंडीशन में जैसे हमारे पास कोई कुछ केस हमारे सामने ऐसे आते हैं कि जब हमारे पास सेम इमेजेस होती है, सेम मतलब जो वाइट कलर का टेक्स्ट है और कुछ वो जो बैकग्राउंड इमेज है वो भी कुछ इस टाइप की है जिसमें हमारा वाइट कलर का टेक्स्ट मर्ज हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे, उस कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ट्रिप है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वाइट कलर ज़्यादा है और मेरा वाइट टेक्स्ट यहाँ पर मर्ज होने के चांसेस है, ठीक है, इतना ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाऊँगा इसके और स्टाइल में जाऊंगा, एंड देन यहाँ पे जो ड्रॉप शैडो हो मैं उसको यहाँ से चूज़ करूँगा, ठीक है। ड्रॉप शैडो का थोड़ा मैं यहाँ से ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ और उसके डिस्टेंस में करूँगा यहाँ से कम, और जो साइज़ है उसको मैं इंक्रीज़ कर लूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ से जो हमारा जो बैकग्राउंड का कलर है वही मैं यहाँ से दूंगा, ठीक है, जो भी बैकग्राउंड का डार्क कलर है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे अगर आप कोशिश यहाँ पे आप देखें अगर हम, तो यहाँ पे पीछे ने एक कलर आ गया है, ठीक है। हम अगर मैं इसके पीछे हम देख पा रहे हैं तो टेक्स्ट के पीछे एक कलर आ गया है जो कि इस टेक्स्ट को हेल्प कर रहा है हमारा थोड़ा सा जो बैकग्राउंड पे जो ब्लू कलर आ चुका है शेडो के वजह से, ठीक है। तो इसके वजह से हो क्या रहा है, अभी हमारा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा अच्छे तरीके से विजिबल हो रहा है किसी भी अगर हमारा ऐसा केस है जिसमें हमारा सेम हो रही है दोनों चीज़, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं इसका थोड़ा सा और साइज और ओपेसिटी इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारा इस केस में यहाँ पर ये हो गया और मैं यहाँ पर थोड़ा इसको और इंक्रीज़ कर सकते हैं हम इस कंडीशन में, थोड़ा और अच्छा लगेगा ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। और यहाँ पर हमें दूसरा थिंग हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि मैं यहाँ से वापस से टेक्स्ट टूल लेता हूँ और जो हमारा हाईलाइट है हम इसको यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ से टॉप 10 को येल्लो में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है।
येलो एक ऐसा कलर होता है जो कि हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, एंड देन दूसरा ये ब्लू के ऊपर भी येलो कलर अच्छा चलता है, ठीक है। तो बस इसके अंदर ठीक है, तो जो ब्लू कलर है वो भी अच्छे से नज़र आता है ब्लू कलर पे भी, जो हमारा येलो कलर होता है। और अभी देखो उस कंडीशन में शेडो अप्लाई हुई थी, और इस कंडीशन में हमने टॉप 10 को हाईलाइट किया, और मैं इसको बिना शेडो के देखूं तो हमारा ये कैसे नज़र आ रहा है। शेडो के साथ देखते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो नज़र आ पा रहा है, बिकॉज शेडो है और उसके नीचे जो है वाइट उसका सेम कलर है, तो इस वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा पढ़ने में, बट अभी शेडो के साथ ही काफ़ी अच्छा पढ़ने में विजिबल हो रहा। तो अब हम इसके साथ और भी प्ले कर सकते हैं, रहेगा मिनिमलिस्ट ही जितना ज़्यादा रह सके। और यहाँ पे मैं इसके नीचे और हॉलीडे कर सकता हूँ प्लेस, और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको थोड़ा जो टॉप 10 है मैं इसको जो है मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और जो हमारा हॉलीडे है मैं इसको एंटर करके नीचे ले आता हूँ, ठीक है। जो हॉलीडे है मैं इसको थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ यहाँ पे इस केस में, ठीक है। और इसको थोड़ा मैं करीब ले आता हूँ अपना ऊपर वाले टेक्स्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूँ 90, ठीक है। एंड जो हमारा नीचे वाला प्लेस है मैं उसको थोड़ा सेलेक्ट करता हूँ, और जो इसका बीच वाला स्पेस है मैं उसको बढ़ाता हूँ, ठीक है, लेटर स्पेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से रख लेता हूँ। तो अगर अब हम देखें तो हमारा यहाँ से इस तरीके से भी हम टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं, और मैं इसको यहाँ ऊपर लाके यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ तीन तरीके से मैंने मिनिमलिस्ट ट्राई किया है, आप इन सबको यूज़ कर सकते हो अपना डिज़ाइन में, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है, इसका नाम है क्लिपिंग मास्क, और इसके अंदर मैं क्लिपिंग मास्क के साथ ही प्ले करना हूँ। ये ट्रिक नंबर 3 है, और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने इसका फॉन्ट चेंज कर दिया है, मैंने फॉन्ट यहाँ से अपना कर दिया है मॉन्स्टरेट, ठीक है। और इसमें क्या करूँगा मैं, अभी जो मेरा जो टेक्स्ट है मैं इसको यहाँ पे इसको सेंटर में रखूँगा, और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास है जो ये जो इमेज है हमारी, जो हमारी मैन इमेज है, मैं इसको कंट्रोल जे करके कॉपी बना लेता हूँ और इसे टॉप पे ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा क्लिपिंग मास्क, तो मैं कंट्रोल ऑल्ट जी कर लेता हूँ क्लिपिंग मास्क करने के लिए, और ये इमेज हमारी इसके अंदर चली गई टेक्स्ट के अंदर। ये इसलिए नज़र नहीं आ रही बिकॉज हमारी जो ओरिजिनल इमेज है वो नीचे रखी हुई है, अगर मैंने उसको हाइड कर दिया अब हम देखें तो इसके नीचे ये आ गई है, ठीक है। और अब क्या करना है मेरे को, मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक रिजल्ट और बनाना चाहता हूँ, तो मैं जो हमारी ओरिजिनल इमेजेस की एक और कॉपी बना लेता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ मास्क, ठीक है। और यहाँ पे मास्क करने के बाद मैं यहाँ पे मास्क करने के बाद तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मेरा एरिया है मैं उसको करूँगा रफ़। तो मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया मास्क के अंदर जितना मुझे अपना रफ़ करना है, तो मैं लूँगा ब्रश, और ब्रश में लूँगा मैं ब्लैक कलर। ब्लैक कलर क्या करता है, इसको रफ़ करेगा अब, ठीक है। और मैं इसको यहाँ तक मैं इसको रफ़ करूँगा, मैं यहाँ पर सॉलिड लेजर ले लेता हूँ, और एक्चुअली अब ये मैं बिल्कुल जो अपना जो ब्रश है वो मैं यहाँ तक यूज़ करूँगा, ठीक है, जो नीचे वाला बॉटम टेक्स है यहाँ तक, ठीक है। अब जो है मैं वापस से यहाँ पे जो ब्रश है अपना ब्लैक कलर वापस सॉरी वाइट कलर यहाँ पे लूँगा, और यहाँ पे वाइट कलर से मैं यहाँ पे ऐसे इसको अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो हमारा जो टेक्स्ट है आ चुका है, ठीक है। और ऐसे ही मैं अब इसको कंट्रोल जे करके एक और कॉपी बनाऊँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल लूँगा, और यहाँ से मैं इसको ऊपर वाला सेलेक्ट करूँगा, इतना एरिया टेक्स्ट के ऊपर ऊपर वाला, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा ब्रश, और यहाँ पे मैं करूँगा ब्लैक कलर, ठीक है। तो मैं अपना सिलेक्शन अपना जो हमारा मास्क है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे जो मेरा व्हाइट कलर है मैं उससे ब्रश करूँगा व्हाइट कलर से, तो यह हमारा सब कुछ विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल डी करते हैं, और अब देखते हैं तो हमारा एक कूल सा डिज़ाइन बन के आया है, ठीक है, जो हम टेक्स्ट के साथ प्ले कर सकते हैं। और ऐसे ही हम इसके साथ और भी प्ले कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे करके हम प्लेस करके देख सकते हैं कि हमारा ये कहाँ पर अच्छा बैठ रहा है, ठीक है। तो आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंगली इसको जो भी आप जिसके साथ भी प्ले कर रहे हो उसके साथ उसके अकॉर्डिंगली आप इस टेक्स्ट को ऊपर या नीचे इस तरीके के यूज़ कर सकते हो। तो गाइज आई होप आपको ये भी पसंद आया होगा मेरा कॉन्सेप्ट, एंड अब चलते हैं हमारा। तो गाइज ये है ट्रिक नंबर 4, तो इसका नाम मैंने जो दिया है वो है डायगोनल, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ ऐसे टेक्स्ट को रोटेट करने वाला हूँ,
और कुछ इफेक्ट देने वाला है। ठीक है, सबसे पहले जो मेरा टेक्स्ट था वो मैंने वापस से रोबोटो कर लिया अपना टेक्स्ट, और मैं इसको दो लाइन में डिवाइड करने वाला हूँ। जो मेरा हॉलीडे और प्लेस है मैं इसको एक साथ लिखने वाला हूँ। ठीक है, और ठीक है, और अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं इन दोनों को एक अलग अलग सेपरेट लाइन में बांट लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको अलग अलग लाइन सेपरेट लाइन में बांट लिया। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, इसका जो कलर है वो मैं वाइट कर देता हूँ फिलहाल दोनों का। ओके, तो अभी यहाँ पर मैं दोनों को कर लेता हूँ सेंटर। तो अभी मैं दोनों को कर लेता हूँ सेंटर, सेंटर लाइन में दोनों टेक्स्ट को कर लेता हूँ। और इसके बाद अब मैं करूँ दोनों कंट्रोल टी करके सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करूँगा। अब कंट्रोल क्या होता है, हमें कंट्रोल से अपॉर्चुनिटी मिलती है इसको थोड़ा इस तरीके से ड्रैग करने का। ठीक है, तो मैं इस कंट्रोल के साथ मैं इसको ऐसे स्ट्रैच और ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे एक फ्लेक्सीबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करूँगा और मैं इसको थोड़ा सा इस टाइप से इस एंगल पर मैं इसको कर दूँगा टेक्स्ट को। ठीक है, तो ये नॉट बैड, अच्छा लग रहा है। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे दोनों टेक्स्ट अलग अलग है और मैं इसमें थोड़ा सा दोनों में स्पेस करूँगा। ठीक है, तो मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, और इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इसको अब देखो तो नॉट बैड, अभी भी ये अच्छा लग रहा है, बट मैं इसके साथ और भी प्ले करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं हम जाएंगे रेक्टेंगल अपने वापस से जाएंगे हम सेव टूल में, और यहाँ से हम क्लिक करके रेक्टेंगल लेंगे। ठीक है, तो हम रेक्टेंगल टूल लेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ स्क्वायर बॉक्स, नॉट स्क्वायर मतलब थोड़ा लंबा बॉक्स है, ताकि मैं अपने टेक्स्ट के पीछे इस बॉक्स को डाल सकूँ। ठीक है, तो इस कंडीशन में अभी मैं जो स्ट्रोक आ रहा है मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं फिल ले लेता हूँ। ठीक है, अभी इसको फिलहाल मैं ब्लैक कलर, या अभी मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसका येलो कलर ले लेता हूँ, और यहाँ से मेरा इसका येलो कलर हो गया है। और अभी क्या करता हूँ मैं इसको, अब हम इसको करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट। ठीक है, तो मैं इसको राइट क्लिक करते हैं और इस पे हम करते हैं कन्वर्ट इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। उससे पहले मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ एक और, बिकॉज मुझे दूसरे टेक्स्ट के नीचे भी इसको डालना है। और अब करता हूँ इसको कन्वर्ट इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मैं दूसरे को भी कन्वर्ट कर लेता हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, और अगर मैं अब दोनों को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल टी करता हूँ वापस से, अब मैं तो अभी क्या है देखो गाइज, अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, और मैं दोनों को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और मैं इन दोनों को ऑल्ट के साथ सेंटर से पकड़ूंगा। ठीक है, और मैं इसी डायरेक्शन में करूँगा जिस डायरेक्शन में मेरा टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया है। और यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, दोनों को सिलेक्ट करूँगा दोबारा से, और मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लेता हूँ, और इसको कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करके थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो मैं जो नीला टेक्स्ट है उससे रेफरेंस ले रहा हूँ इसको चेंज करने के लिए। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है मैं इसको इसके ऊपर लेके जाऊँगा और इसके इसके नीचे लेके जाऊँगा। ठीक है, तो अब क्या है, हम दोनों सेप लेयर को अपने टेक्स्ट के नीचे करेंगे। ठीक है, और अब जो टेक्स्ट है मेरा, दोनों टेक्स्ट और सेप को लूँगा, और थोड़ा सा जो मेरा ये है मैं इसके ऊपर इसको ओवरलैप करूंगा। ठीक है, अब क्या है, जो मेरा टेक्स्ट है मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ दूसरे कलर में। जो मेरा नीचे वाला है मैं इसको जो कलर देता हूँ, मैं इस पर देखो अब मैं क्या करूँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा जो हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट था, और ये एक नई विंडो में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आके मैं इसका कलर अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको वाइट कर लेता हूँ, कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ तो कंट्रोल एस से ये सेव हो जाएगा। मैं क्लोज करता हूँ अपना, वापस से आता हूँ तो ये चेंज हो चुका है। ठीक है, और अब मैं इसका जो कलर है, जो टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं देने वाला हूँ, इसका दे देते हम, तो अभी मैं इसका दे देता हूँ ब्लू कलर। और जो मेरा ऊपर वाला है मैं अगर उसके साथ प्ले करूँ, मैं ब्लैक एंड वाइट प्ले करके देखता हूँ उसके साथ, अगर ब्लैक एंड वाइट अच्छा लगेगा तो अगर मैं यहाँ पर इसके साथ ब्लैक कलर लेता हूँ और मैं इसको एस कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ, वापस से जाते हैं और अपने यहाँ पर हम देखते हैं इसको, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है। तो ये जो देखो दोनों, जो दोनों शेप लेयर है ऊपर और नीचे वाली, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसके साथ और भी मतलब उसके साथ और तरीके से प्ले करता तो ये ऐसे ऊपर एक दूसरे के ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और चौड़ा कर देते हैं और इसको यहाँ से कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको
और जो ये वाला नीचे वाला टेक्स्ट था मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक। तो अभी आप देखें तो अभी हमने एक काफ़ी सही तरीके से एक टाइटल बना लिया है अपना, दूसरा भी जो हमारा फोर्थ टाइटल है, तो ये भी काफ़ी अच्छे से हमारा बन गया, जिसको मैंने नाम दिया था अपना डायगोनल, ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया डायगोनल। तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। आई होप आपको ये भी पसंद आया होगा। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं अपने लास्ट और फाइनल टिप्स के ओर, जो टिप्स है मेरा, जिसका नाम है मेरा डेप्थ इफेक्ट। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पहले डेप्थ इफेक्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो टॉप 10 कूल लिखा हुआ है, ये सब कुछ एज इट इज़ मैं ऐसे यही फॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं कंट्रोल टी से मैं जो प्लेस है मैं इसका चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और अब क्या है कि मैं जो यहाँ पर मेरा है, और मैं इसको थोड़ा टेक्स्ट को अपने इस ऊपर नीचे वाले के साथ मैं इसको थोड़ा ऐड करूँगा, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा करीब लाऊंगा, ठीक है। मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं इन सबको करूँगा सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे तो अभी मैंने इन सबको कर लिया है, तो अभी ये हो गए सब सेंटर। और तो अभी हमारा जो टेक्स है वो अभी हमारा सब कुछ सेट है। तो अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर, इसमें डेप्थ इफेक्ट देने के लिए जो हमारा जो ये झोपड़ी वाला है, जो इमेज है, अब मैं इसको पीछे इसको डालूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इस जो टेक्स है इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको हाइड कर देता हूँ, और जो हमारा जो इमेज है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद अब मैं जाऊँगा यहाँ से, मैं यहाँ से अपना पॉलीगॉन टूल ले सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक टूल यूज़ कर रहा हूँ, मैग्नेटिक लेसो टूल, ठीक है। और यहाँ पर वैसे ओके, तो यहाँ मैग्नेटिक लेसो टूल यूज़ कर रहा हूँ, और मैं इससे शर्ट पर, तो मैं यहाँ पर मैग्नेटिक लेसो टूल कर रहा हूँ ताकि मैं इस सारी झोपड़ियों को सिलेक्ट करके एक अलग ऊपर से निकाल सकूँ, ताकि मैं इनके पीछे टेक्स्ट डाल सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर, इस इफेक्ट के अंदर, मतलब इस टेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर यही है कि जो हमारा जो इफेक्ट है वो जस्ट, मैं आपको जल्दी से समझाने के लिए ये सब यहाँ पर कर देता हूँ फट फट। तो अभी हमारा सिलेक्शन बन चुका है, तो अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा ये है तो मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल सी कर कंट्रोल वी करूँगा, तो ये इमेज हमारी ऊपर आ चुकी है, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज का जो हमारा जो हाइट किया था, मैं वापस से इसको ले आता हूँ, और इस इमेज के नीचे हम अपना टेक्स्ट ले आते हैं, ठीक है। तो अभी मैं टेक्स्ट सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और वापस से दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं दोनों जो हमारा टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसको थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीच का स्पेस है वो भी हम कम कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअली ये टेक्स्ट मेरा पहले की वजह से दोनों अलग अलग है, तो अभी जो ये है मैं इसका थोड़ा सा स्पेस कर देता हूँ बड़ा। तो अभी आप देखोगे काफ़ी अच्छा मिनिमल बन चुका है, ये वाला टेक्स्ट भी हमने बना लिया है। और यहाँ पर तो इस तरीके से भी अपना टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ की